नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे कॉर्न चीज़ बॉल्स। कॉर्न चीज़ बॉल्स दो तरीकों से बनता है, एक आलू के साथ और एक बिना आलू के साथ। तो आज एक मेथड देखते हैं। उसके लिए मैंने एक कप उबली हुई मकई के दाने ले लिए हैं। इन्हें बस 5 मिनट के लिए उबाल लिया है और हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा महीन नहीं पीसना है इसे। देखिए पीस चुका है। अब एक पैन को गरम कर लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच हम बटर डालेंगे। आप घर का बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पिघलने पर हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे 2 मिनट के लिए। लगातार चलाते रहें और आँच को मध्यम ही रखें, मध्यम या कम रखें, और इसे लगातार चलाते रहें। 2 मिनट तक इसे भून लेना है। 2 मिनट बाद हम इसमें 3/4 कप दूध डालेंगे और दूध जैसे ही डाल रहे हैं उसे लगातार चलाते रहें। इसकी सारी गुठलियाँ पिघल जाएंगी और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। आँच को मध्यम ही रखें और इसे ऐसे लगातार चलाते रहें। 4 से 5 मिनट तक हमें इसे चलाते रहना है और तब तक इसे मिक्स करना है जब तक ये पैन छोड़ने ना लगे। देखिए ये तैयार हो गया है, पैन आसानी से छोड़ रहा है। गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें पिसी हुई मकई के दाने डालेंगे। गैस बंद है, याद रखें। 1/4 कप ग्रेटेड चीज़ है। यहाँ मैं अमूल का चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी प्रोसेस चीज़ यूज़ कर सकते हैं। 2 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाली है मैंने। कुछ कटी हुई हरी धनिया के पत्ते डाले हैं। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची सिर्फ 2 ही डालें। अब डाल रहे हैं 1/2 गाजर जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 छोटी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे बिना बीज के। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 1/2 चम्मच ओरिगैनो डालेंगे, 1/2 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। याद रहे हमने हरी मिर्च पहले ही डाली है, तो अगर आप तीखा कम पसंद करें तो इसे ना डालें। और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक भी चीज़ में होता है, तो बराबर अंदाजे से डालें और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए और इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे 10 मिनट के लिए। फ्रिज में रख दें। आइए अब मैदा की स्लरी बना लेते हैं। 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है, उसमें मैंने 1/4 चम्मच पानी डाल के और नमक डाल के उसकी स्लरी बना ली है। अच्छे से मिला दें, गुठलियाँ ना रहें। और ये कुछ ब्रेड क्रम्स है जिन्हें मैंने पीस लिया था और रोस्ट करके रख दिया था। 10 मिनट बाद हम मिक्सचर को निकालेंगे फ्रिज से और एक नींबू के आकार का बॉल बना लेंगे। देखिए ये बन गया है। अब हम इसे स्लरी में डिप करेंगे। अच्छी तरीके से कोट कर लीजिए इसे मैदा के पेस्ट में और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। आप चाहें तो बिना रोस्ट किए हुए ब्रेड क्रम्स से भी इसे कोट कर सकते हैं। इसी तरह सारे बना लीजिए। तेल को हमने गरम करने रख दिया था। तेल जब अच्छी तरह गरम हो जाए तब हम इसमें चीज़ बॉल डालेंगे और इसे मध्यम से तेज आंच में फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने कम तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पूरी कढ़ाई भर के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये डूब जाएंगे उसमें और जल्दी ही ये फ्राई हो जाएंगे। तो इन्हें बीच बीच में चलाते रहें और अच्छा इवन ब्राउन कलर आने पर इसे हम निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट में मध्यम आंच पे ये आसानी से फ्राई हो जाते हैं। जब इवन कलर आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तेल छानकर इसे निकाल लीजिए। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखिए कॉर्न चीज़ बॉल्स रेडी है। इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितना क्रीमी और चीज़ी है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। आप ज़रूर ट्राई करना। दूसरे तरीके से चीज़ बॉल सीखना है तो ज़रूर कमेंट करें, वो भी बनाएंगे हम। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।